दोस्तों, आज मैं आपके साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा जो ये क्लियर करती है कि यदि पत्नी पति पर फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन लगाती है, ऐसे एलिगेशन लगाती है जिनका कोई सिर पैर नहीं है और कोर्ट में अपने एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाती है, साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसी पत्नी किसी भी रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। बल्कि ऐसे में जब पत्नी द्वारा पति पर गलत और झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो ऐसे में ये सब पति पर बहुत बड़ी क्रूरता है, क्रुएल्टी है, अत्याचार है। तो दोस्तों, यदि आपकी पत्नी भी झूठे और बेसलेस एलिगेशन का सहारा ले रही है, आपको सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश कर रही है और कोर्ट में जाकर के वो विक्टिम कार्ड खेलती है, तो आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने केस में फायदा उठा सकते हैं और ऐसी झूठी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी पत्नी पति के ऊपर केस करती है, चाहे वो 498A का केस हो या डाइवोर्स का हो या मेंटेनेंस का हो, तो ऐसे में ज़्यादातर एलिगेशन झूठे और बेबुनियाद ही लगाए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, यहाँ तक कि एलिगेशंस को क्रिएट तक किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, यदि हस्बैंड कभी कभी ड्रिंक करता है तो उसे शराबी की तरह बताया जाता है, साथ में ये ऐड कर दिया जाता है कि वो शराब पी करके पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, उसे टॉर्चर करता है। और ये सब पत्नी इसलिए लिखती है या इस तरह के एलिगेशन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पत्नी कोर्ट से रिलीफ ले सके, पर वो भूल जाती है कि उसे अपने इन एलिगेशंस को कोर्ट में साबित भी करना होगा। दोस्तों, ऐसे में यदि पत्नी पति पर गलत और झूठे आरोप लगाती है, यानी कि फॉल्स और बेसलेस आरोप लगाती है और उसे साबित नहीं कर पाती है, तो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, यानी कि फॉल्स और झूठे बेसलेस आरोप लगाने के ही बेसिस पर पति कोर्ट से बड़ी राहत ले सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, इस केस में पत्नी सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करती है। पति रिप्लाई फाइल करता है और रिप्लाई के साथ पति एक काउंटर क्लेम भी फाइल कर देता है कि उसे सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाए। दोस्तों, काउंटर क्लेम में पति के एलिगेशंस होते हैं कि पत्नी द्वारा उस पर क्रुएल्टी की गई, अत्याचार किया गया। इसके बाद पत्नी पति के काउंटर क्लेम का रिप्लाई फाइल करती है और रिप्लाई में वो पति पर कई तरह के एलिगेशंस लगाती है। पत्नी एलिगेशन लगाती है कि पति अल्कोहलिक यानी कि शराबी है और शराब के नशे में उससे मारपीट करता है। पति वुमेनाइजर है यानी कि उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है, वो दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है और इस वजह से वो रात को लेट नाइट घर आता है और किसी न किसी बहाने पति पत्नी की छोटी बहन के घर चला जाता है। फैमिली कोर्ट केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर पत्नी का सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस डिसमिस कर देती है और पति का काउंटर क्लेम अलाउ करके पति को डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर कर दूं कि पति ने पहले भी डाइवोर्स का केस फाइल किया था पर वो डिसमिस हो गया था, पर इस बारी काउंटर क्लेम में पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है। हाई कोर्ट केस के सभी फैक्ट्स, एविडेंसेस और पार्टीज की सबमिशंस को एनालाइज करते हैं। हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि पत्नी ने पति पर रिपीटेडली एलिगेशन लगाए थे कि उसका पति शराबी है और शराब के नशे में उसे मारता पीटता है, मेंटल टॉर्चर करता है। पति महिलावादी है यानी कि वो दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है, वो वुमेनाइजर है और इस वजह से वो रात को लेट नाइट घर में आता है। लेकिन पत्नी एविडेंस के दौरान अपने इन सभी एलिगेशंस को बिल्कुल भी सब्सटेंशिएट नहीं कर पाई, प्रूव नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई।
उसने अपनी बहन की भी गवाही कराई, पर बहन ने भी हस्बैंड के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला जैसा कि पत्नी बोल रही थी। यानी कि वाइफ की सिस्टर ने वाइफ को ही कोरोबरेट नहीं किया, उसको ही ऑथेंटिकेट नहीं किया। उसकी बहन का केवल इतना ही कहना था कि हस्बैंड शराब पीता है, लेकिन मारपिटाई या अन्य एलिगेशंस के बारे में उसका एविडेंस बिल्कुल ही खामोश था। इन सभी बातों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये माना कि पत्नी ने वाकई में पति पर गलत और झूठे आरोप लगाए थे, बिल्कुल ही फॉल्स और बेसलेस थे, जिन्हें पत्नी एविडेंस के दौरान साबित नहीं कर पाई। ऐसे में पति पर झूठे और बेसलेस आरोप लगाना इटसेल्फ पति के ऊपर क्रुएल्टी है, अत्याचार है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील को सिरे से खारिज किया और पति की फेवर में जो डाइवोर्स डिक्री दी गई थी उसे हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही माना। दोस्तों, इस केस से, इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि पत्नी फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन लगाती है और कोर्ट में उनको प्रूव नहीं कर पाती है तो वो किसी भी रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। उल्टा फॉल्स एलिगेशन लगाने के कारण पति इन चीजों को ग्राउंड बना करके कोर्ट से रिलीफ ले सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पत्नी वाकई में पति के ऊपर फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन लगाती है? क्या एलिगेशंस को क्रिएट किया जाता है? यदि पत्नी ने पिटीशन में 10 एलिगेशंस लगाए हैं तो आपके हिसाब से कितने एलिगेशंस उसमें से सच्चे होंगे और कितने एलिगेशंस झूठे होंगे? इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या कोर्ट ने इसमें सही निर्णय दिया? आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने जो भी विचार हैं, आप जो भी सोचते हैं। दोस्तों, इस केस की जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी ब्लेसिंग्स और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।